Hey, good morning people. Welcome back to the channel and Radhe Radhe and wish you a very very happy Janmashtami क्योंकि आज एक बहुत special day, इसीलिए आज मैं जा रही हूँ सुबह सुबह टेम्पल. अभी बज रहे हैं सुबह के साथ और मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और मैंने पहना है ये कुर्ता. लेकिन एक्चुअल में एक सूट था मैंने, लेकिन इसके साथ ना ऐसे ब्लैक पजामे पहन लिए ताकि अभी क्योंकि हम टेम्पल जा रहे हैं और टेम्पल में जाके हमें बल्क में कुकिंग करनी है फॉर अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल. लाइक आई थिंक नियरली 300 to 350 डिवोटी आने वाले हैं जन्माष्टमी के प्रोग्राम के लिए. हमें इसलिए उसके लिए प्रसादम कुक करना है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कुछ हल्का सा और कुछ लाइट वेट पहना जाए. उसका जो सलवार था थोड़ा सा लाइक प्लाजो टाइप का था तो मुझे वो नहीं पहनना था, तो मुझे लगा ये सूट सही है. मेरे पास बाकी कुछ ऑप्शन ज्यादा थे ही नहीं तो मैंने ये पहन लिया. और अभी मुझे बस एक माता जी के साथ जाना है. माता जी लाइक हम इस कॉल में एक दूसरे को माता जी बोलते हैं और वो थोड़ी सी लाइक 50+ है, इसलिए भी मैंने माता जी बोल दी. तो शी इज कमिंग टू पिक मी अप हाफ वे और मुझे अभी हाफ वे चल के जाना है. थोड़ा सा 10 मिनट रास्ता, उसके बाद मैं उन्हीं के साथ जाऊंगी. सो यस, दिस इज अ प्लानिंग फॉर द डे. वहां पे जाना है, फिर शायद मैं दिन में घर आऊंगी और फिर रेडी होकर दोबारा निकलना है रात के मेन प्रोग्राम के लिए. सो दिस इज द होल प्लान हाउ द डे लुक्स लाइक. मतलब अभी हमने क्या क्या प्लान किया, बाकी पता चलेगा कि ऑन द स्पॉट क्या चेंजेस होते हैं. मे बी कुछ चेंजेस हो जाए, आई डोंट नो. तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मेकअप तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं क्योंकि अभी जाके कुकिंग करनी है, तो कुकिंग में सारा मेकअप निकल ही जाना है. ठीक है, बस मैंने लिप टिंक लगा दिया, दैट्स इट. और अब मैं बस निकलने लगी हूँ और अब आपको मिलती हूँ सीधा टेम्पल में और आपको भी अच्छे से दर्शन करवाऊंगी. सो गाइज, गुड इवनिंग. आई एम बैक होम और अभी तो शाम हो रही है, लाइक शाम के आई थिंक 5:30 हो रहा है, 5:30 बज रहे हैं. लेकिन मैं दिन में घर आ गई थी और अभी आपने वीडियो में देखा होगा कि कैसे हम कुकिंग कर रहे थे, तो बहुत मजा आया कुक करने में. बहुत मास कुकिंग हो रही थी आज, लेकिन पता नहीं चला कि इतने सारे लोगों का खाना कब बन गया क्योंकि वी वर अ गुड टीम. तो इससे जल्दी जल्दी हो गया और हमने फिर थोड़ा सा वही आरती वगैरह भी किया, डांस किया और उसके बाद मैं घर आ गई और फिर मैं बहुत अच्छे से सोई भी हूँ. लाइक लिटरली मैं 1-1.5 घंटा सो गई अभी और मेरी आँखें भी स्वेल है और मुझे अभी भी नींद आ रही है, लेकिन अभी सो नहीं सकती हूँ. तो अभी उठ के बस मैं थोड़ा सा स्ट्रॉबेरीज खा रही थी, मेरे पास पड़ी हुई थी लास्ट टाइम की, बची हुई हैं तो ये खा रही थी मैं क्योंकि फास्ट है तो फ्रूट्स ही खाने. और बस इसके बाद अब मुझे रेडी होकर निकलना है टेम्पल के लिए और मैं सीधा रेडी होती हूँ. सो दिस इज माई कॉस्ट्यूम जो अभी मैं पहनने वाली हूँ. ये है एक लहंगा टाइप का ही लहंगा ये, इनफैक्ट ठीक है, चनिया चोरी से बोलते हैं. मेरी एक गुजराती फ्रेंड है, मैंने उससे बोरो किया है. और ये है दुपट्टा इसका और ये है ज्वेलरी इसकी, सब कुछ मैंने उसी से लिया. लिटरली मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है. तो बस अभी ये पहन के जल्दी से रेडी होती हूँ, फिर निकलना भी है टाइम से. Hey guys, so I am ready और मुझे तो मैं अच्छी लग रही हूँ, मतलब ठीक है, ऑन पॉइंट सब कुछ है. मेकअप मैंने बहुत ज्यादा नहीं किया, ब्लश लगा दिया है थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन वो फोटोज में थोड़ा कम आता है ना इसलिए ज्यादा लगाया. बिंदी दी है और ज्वेलरी पहन ली है, नेल पेंट कुछ नहीं लगाई है. इतने टाइम ही था ना याद था, यू नो नर्स के यही हाल होते हैं, नेल्स वो रख नहीं सकते, नेल पेंट वो लगा नहीं सकते, तो भूल ही जाती हूँ. लाइक मैं तो भूल जाती हूँ, मैं तो बहुत बेकार हूँ इस मामले में. और ये है मेरी ड्रेस, तो मैं आपको सही से दिखाती हूँ अभी, वेट. तो देखो मैं कुछ ऐसी लग रही हूँ. मैंने इयर रिंग्स ये पहने हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, बाद में वीडियो में नहीं दिखा पाऊंगी. ये सब कुछ बोरो करा है, ये बोरो करा है, ये बोरो किया और ड्रेस बोरो करी हुई है. बाकी रिंग मेरी है, अपनी बहन से चुरा के लेके आई थी मैं इंडिया से. और ये है कुछ इस तरीके से दिखता है लहंगा. और मुझे दुपट्टा कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था कि कैसे पहनना है, लेकिन मैंने पहन लिया. इसको यहाँ से पिनअप कर लिया है, एक पिनअप यहाँ करा है, होपफुली अभी नीचे ना गिरे. इसको मैंने सब कुछ अच्छे से टाइट कर दिया है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, आई थिंक अच्छा लग रहा है, नॉन रिवीलिंग है सब कुछ, एंड दैट्स गुड राइट. और बाल भी मेरे आज होपफुली मतलब थैंकफुली सही है, तो इसको मैं सोच रही हूँ आगे निकालूँ ऐसे, एंड देन आई विल लुक लाइक दिस.
और अभी ना थोड़ी सनकिस्ट वीडियोस और फोटोज अच्छी आ रही थी क्योंकि यहाँ पे सामने से धूप आ रही थी, तो मैंने जल्दी से वीडियोस और फोटोज ले ली, पता नहीं कैसी आई होंगी। तो अभी मैं चलती हूँ जल्दी से, मुझे लेट हो गया। जितना मुझे टाइम में पहुंचना था मैं उससे आधा घंटा लेट हूँ, मुझे आई थिंक अभी 10-15 मिनट जाने में भी लगेगा। कैब से जा रही हूँ मैं, तो बस अभी जाती हूँ, निकलती हूँ। सिस्टर की कॉल आ रही है, उसको कॉल करके दिखाती हूँ अपना लुक कैसा है, ठीक है, और फिर बस जाती हूँ। एंड यस, मैंने कितनी बार बोल दिया जाती हूँ, तो फाइनली मैं जा रही हूँ और आपको सीधा मिलूंगी स्कूल में। और सॉरी अगर वहाँ पे मैं व्लॉगिंग ना कर पाई क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है, हमें गेस्ट को ग्रीट भी करना होता है, बहुत कुछ होता है, तो मैं वहाँ पे ऐसे फोन लेके इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो मैं जितनी भी वीडियोज हो पाएंगी मुझसे पॉसिबल मैं उतनी लगा दूंगी। ओके चलो, सी यू इन द स्कूल नाउ। So this is a beautiful drama. It's the first time they're acting it. Normally I say it's a last minute job and they've only just come together. Fortune, huh? What fortune? So much glitter, so much crowd, I didn't even get darshan. Going to Amaravati to take darshan of Bhola? Yes, I'm going to Amaravati to take darshan of Bhola. Yes, I'm going to Amaravati. सो गाइज, अभी मैं ऊपर आ गई हूँ, प्रोग्राम नीचे चल ही रहा है। जो मेन प्रोग्राम था, ड्रामा, स्किटिंग, डांसिंग या जो कुछ भी होना था वो सब हो गया है। अभिषेक अभी चल रहा है भगवान जी का, और साइड बाय साइड कीर्तन भी चल रहा था। मुझे अपने फ्रेंड्स वगैरह मिले, मैंने उनसे बातें करी, फोटो क्लिक करी, बहुत सारी प्रसाद भी ले लिया है। बाकी मैंने आपको कहा था ना कि हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल मैंने इसलिए कहा था क्योंकि जो फंक्शन है ना ये टेम्पल में नहीं हो रहा, क्योंकि टेम्पल में एक साथ 500 लोग नहीं आ सकते और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आए आज, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, स्कॉन की अथॉरिटी ने एक जो स्कूल है वंती स्कूल वहीं से उनका हॉल बोरो किया है, लाइक एक रात के लिए लिया है, और कुछ क्लासरूम से जहाँ पे सब लोग रेडी हुए थे। और अभी भी मैं क्लासरूम में बैठी हुई हूँ एक्चुअल में, और नीचे काफ़ी हल्ला था तो मैं ऊपर आ गई हूँ ताकि मैं थोड़ा सा चैंटिंग कर पाऊँ। और नीचे कोई ना कोई मिला जा रहा, तो बहुत एकांत में मेडिटेशन नहीं हो सकता, तो आई थॉट कमिंग अप और यहाँ पे बस अब मैं वीडियो बना रही हूँ, इसके बाद मैं चैंटिंग करूँगी। और फिर जब ये चैंटिंग हो जाएगी थोड़ी देर में, फिर मैं नीचे जाके फिर अभिषेक करके हम करेंगे कीर्तन, और फिर उसके बाद क्लास है, और फिर मिडनाइट भगवान जी को रेडी किया जाएगा, और बस वही प्रोग्राम होगा। तो जैसे भी होगा मैं वीडियो में शूट करती रहूँगी। Yeah.
सो गाइज आई एम बैक होम फाइनली. बहुत ज्यादा थक लग गई है, बहुत ज्यादा ही डांस किया, मतलब जिसकी कोई हद नहीं है. इतना डांस कर रहा है, इतना घूमे जैसे लड़कियां ऐसे हाथ पकड़ के घूमती है ना, वो भी मैंने किया अपनी फ्रेंड के साथ जो बाकी डिवोटीज थे उनके साथ बहुत बार किया. और मेरा लिटरली अब सर घूम रहा है, मोशन सिकनेस फील हो रही थी मुझे अभी कार में बैठे बैठे. बट एनीवेज इट्स अ पार्ट ऑफ एंजॉयमेंट और उसमें बहुत मजा आता है और मैं हमेशा करती हूँ, चाहे बाद में तबीयत भी खराब क्यों ना हो जाए. वैसे भी अभी सोना ही है. ओके सो इसलिए मैंने कर लिया. और बस ये बताने के लिए था कि मुझे प्रसाद ने मिला है ये एकादशी वाला केक है, क्योंकि आज हम एकादशी की फास्टिंग कर रहे हैं, कल सुबह फास्ट खुलेगा तो, लेकिन हम ये खा सकते हैं अभी क्योंकि एकादशी वाले इंग्रेडिएंट से बना हुआ है. तो एकादशी वाला केक है, स्ट्रॉबेरी है और ये कुछ व्हाइट, ये कुछ है आई डोंट नो क्या है, एक और चीज कुछ था. ये प्रसाद है, अभी ये खाऊंगी जल्दी से और सो जाऊंगी, बहुत ज्यादा नींद भी आ रही है. तो यस दैट वॉज फॉर माई व्लॉग. ऐसे सेलिब्रेट करते हैं हम जन्माष्टमी इन लंडन इन द यूके एंड यू हैव सीन इट नाउ. इफ यू लाइक इट जस्ट गिव मी अ बिग थम्स अप. और अगर वीडियो में कुछ भी कमी लगती है तो प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो ताकि मुझे पता चल पाए कि मैं क्या सुधार कर सकती हूँ. ठीक है एंड या दैट्स इट, नथिंग न्यू. ओके बाय, सी इन द नेक्स्ट व्लॉग. राधे राधे.